सी दिस इज लेबनान कि उस तरफ पे बर्फ का नामो निशान नहीं है, हरियाली है। और थोड़ा सा बिस्तर मुड़ेंगे तो इधर देखिए स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ गिरी हुई है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, सूरज भी निकला है, बर्फ भी है। उधर पे आपको लगेगा नहीं, उधर पे जो रह रहा है उसको पता भी नहीं कि बर्फ भी गिर रही है कि नहीं गिर रही। और इस तरफ पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वो देख रहे माउंटेन से पूरे स्नो से ढके हुए हैं, उस तरफ आपको दिख रहे होंगे। और अगर मैं कैमरा लेके जाता हूँ इस तरफ, कुछ पता जाता नहीं, कुछ पता नहीं कि स्नो क्या होती है। ये कंट्री, इस कंट्री को लोगों को एक्सप्लोर करना है, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। मैंने करी, अब जिस किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जरूर आइए यहाँ पर। बहुत ही यूनिक कंट्री लगी मुझे, बहुत ही यूनिक कंट्री जिसका लोगों को पता भी नहीं। रियली ब्यूटीफुल, ऑसम। लेफ्ट साइड में स्नो कैप माउंटेन और राइट साइड में सी। राइट साइड में सन भी है और इस तरफ स्नो फॉल हो रहा है। लेबनान यू ब्यूटी। तो मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ से मुझे लैंड पूरा लेबनान एक तरह से दिख जाता है, जो कोस्टल एरियाज हैं इसके पूरे दिख जाते हैं, पूरी सिटी। ये देखिए लेफ्ट में आपको नहीं दिख रहा होगा दूर तक, वहाँ बेरूत दिख रहा है। पेब्लोस सिटी का ओल्ड सोक एरिया है, इसको सबसे पुराना टाउन बोला जाता है कि सबसे पुराना टाउन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो हुआ करता था, वो अब नहीं रहा, लेकिन बोलते हैं कि ये जो सिटी का पार्ट है, बेबलोस जो सिटी है वो इतनी पुरानी है और अभी तक है। आज से हजारों साल पहले से है और अभी भी ये बोला जाता है। ओल्ड टाउन बेबलोस में मेरे पीछे जो है लेबनीज ऑथेंटिक शॉप है, वहाँ पर मैंने एक कयाक नाम का कुछ मिलता है यहाँ पर, जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करा था। तो इस शॉप पे मैंने ट्राई करा तो मालिक था बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली मुझे लगा, और मेरा बिल जो हुआ 5.5 USD हुआ। और मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास कुछ यूरोज हैं, अगर आप यूरो ले सको तो अच्छा रहेगा, और उन्होंने यूरो ले दिया। तो मैंने उनको 5.5 USD का इक्विवेलेंट 5 यूरो पे कर दिया। ऑथेंटिक लेबनी फूड ट्राई करना है और कयाक ट्राई करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। अच्छा था। मेरा बेबलो का दिन पूरा हो गया, बहुत ही अच्छा दिन रहा। अब मैं वापस जा रहा हूँ बेरूत। अगर रात में टाइम रहा तो मेरा प्लान है कि मैं जाता हूँ कि बेरूत की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर मैं टायर्ड नहीं हुआ तो वो मैं बेरूत जाके प्लान करूँगा। अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि 4:30 बज गए, आधे घंटे में सनसेट हो जाएगा, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं हाईवे की तरफ जा रहा हूँ, मैं बस लूँगा या फिर इंटर सिटी जो उनकी बैंड चलती वो मिल जाएगी तो और बेटर है, वो तो भी जल्दी वही मिलती है। और ये क्या, ये देखिए चर्च से आवाज़ आ रही है। मैंने बोला था ना आप लोगों से यहाँ पर आधी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और आधी मुस्लिम है, और लोगों के वो, लेकिन ये लगता है कि यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम ही है। और बहुत ही ज़्यादा आई वुड से मॉडर्न सोसाइटी है इनकी एज कम्पेयर टू मिडिल ईस्ट में। दुबई में मैंने देखा था बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है, यहाँ पर ज़्यादा ही मोर और लेस, ये मुझे ज़्यादातर यूरोपियन टाइप का लगा कि आप अपने मत रहो, लोगों के में इंटरफेयर ना करो, नहीं करो लोग आपके बारे में भी, आपकी लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये हाईवे आ गया है और अब मैं देखता हूँ मुझे बस से अमेंडमेंट कहाँ से मिलेगी। Problems, or whatever it is, we just need to forget about everything.
तो आज मेरे लास्ट दिन की शुरुआत हो गई है। जैसा कि शायद आप देख सकते हैं, मेरी लेफ्ट आई में कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो मुझे पता नहीं मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। कल रात में मैं इसलिए डिस्क में नहीं आ पाया क्योंकि मेरी आँख में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी मैं निकल के बाहर आया हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है लेबनान की पार्लियामेंट रखे हुए हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जितनी भी अच्छी कंट्री मैं बोल लूँ लेबनान को, इसकी इंटरनल अपनी प्रॉब्लम है। 25 साल पहले 92 तक इन लोगों ने सिविल वॉर को झेला। लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वही प्रोटेस्ट अभी जारी है। मैंने प्रोटेस्ट को देखा नहीं, मे बी उस तरफ चल रहा होगा, लेकिन कंटिन्यू प्रोटेस्ट जारी है कि लोगों की डिमांड ये है कि प्रेसर कि यहाँ की गवर्नमेंट जाए या फिर वो उन्होंने जो टैक्स अभी बढ़ाया है उसको कम करे और जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा उछाल आया है महंगाई में उसको कम करा जाए। ये यहाँ के लोगों की रिक्वेस्ट है और मुझे लगता है गवर्नमेंट को मानना चाहिए क्योंकि किसी कंट्री में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरे पीछे राइट साइड में और ये जो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये टेम्प्ररी शेल्टर हैं। ये प्रोटेस्टर जो यहाँ कह रहे हैं उनके शेल्टर हैं, वहीं पर कुछ रात में रुके हुए थे। वंस अगेन मैं यहाँ का नहीं हूँ और मैं ना तो जर्नलिस्ट हूँ और ना मुझे ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ना मुझे पॉलिटिक्स ज़्यादा समझ में आती है, तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। मैंने उनसे बात भी नहीं करी, जस्ट मुझे लगा कि बताना चाहिए कि प्रोटेस्टर ने यहाँ की दीवारों पर लेफ्ट राइट में हर कहीं पर स्लोगन लिखे हुए हैं जो वो अपनी डिमांड लिख रहे हैं और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उन्होंने कई बार थोड़ी सी भद्दी लैंग्वेज का भी यूज़ करा हुआ है जो हमारे यहाँ लोग नहीं करते। पर मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। मेरा काम सिर्फ ये है कि हर एक कंट्री में जहाँ जहाँ मैं घूमने आता हूँ, जिन प्लेसेस पर जाता हूँ, वहाँ की अच्छाई, वहाँ का वो जगह कितनी सुंदर है, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, वो मैं बताता रहूँ। यहाँ पर आके इस कंट्री की अच्छाई मैंने बताई। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगा कि वो सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहिए कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को यहाँ की गवर्नमेंट देखेगी, यहाँ के लोग देखेंगे। मेरा काम सिर्फ कितनी ब्यूटीफुल एक कंट्री है, कितने अच्छे यहाँ के लोग हैं, सिर्फ वो स्प्रेड करना है। मैं प्यार फैलाने आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।